दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव। हेलो एंड वेलकम बैक टू बुलेट टाइगर गाइस। आज है हमारा ऋषिकेश में डे नंबर 6 और आज हम आपको दिखाएंगे वानप्रस्थ आश्रम का ये पूरा कंपाउंड। तो चलिए सबसे पहले करते हैं दर्शन माँ गंगा के और शुरू करते हैं इस वीडियो को। गंगा माँ के दर्शन करिए और ये सामने जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गंगा जी के साथ बह के यहाँ तक आ गया था। तो इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, अभी रख दिया गया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये है ऋषिकेश की सुबह, गंगा मैया की लहरों की आवाज़ से शुरुआत होती है यहाँ पे दिन की। ताज़ी हवा, एकदम फ्रेश एयर, बहुत ही अच्छा सुहावना एक दृश्य। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, कांवड़ियों के भाइयों की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वानप्रस्थ आश्रम का टूर, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था। तो ये देखिए, ये पीछे गंगा जी हैं और ये पीछे हमारा वानप्रस्थ आश्रम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, सारा हॉर्न आज ही बजा देगा के। तो ये है जी वानप्रस्थ का फर्स्ट गेट, एंट्री गेट। तो ये यहाँ पे हैं हमारे साथ पंडित जी। पंडित जी कैसे हैं आप? पंडित जी सुबह सुबह अपनी ड्यूटी से पहले, ये देखिए किस तरह से धूप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए, बाबा काली कंबली वाले का आसन। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ग्राम पोस्ट बालबान, जिला भोजपुर, आरा बिहार जी। मैं 6 साल से बाबा काली कमरी में अपना भगवान के गंगा मैया का दर्शन करते हुए राम राम का सुबह 2 घंटा जाप करता रहता हूँ। प्रभु श्री राम के शरण में मैं अपना भक्ति और अपने शरीर का अर्पण किया हूँ। तो पंडित जी, जब भी मैं सुबह सुबह यहाँ से जा रहा होता हूँ, आप कुछ पढ़ रहे होते हो, आप सुबह सुबह क्या पढ़ते हो? हनुमान चालीसा और श्री रामचरित मानस का अध्याय पढ़ता हूँ, कथा कहता हूँ। और मैं दिन भर में अपने प्रभु राम का नाम 4000 3000 5000 जैसा समय मिलता है वैसा लिखता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ। जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये पंडित जी हैं, जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ये पूजा पाठ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये यहाँ की वाइब्स ही ऐसी है ऋषिकेश की, आप जिसको भी देखेंगे पूजा पाठ में, गलियों से आप जाओगे, भजन की आवाज़ें, बहुत ही प्यारा सब कुछ, यहाँ का एक माहौल ही अलग तरीके का है। तो आप जब भी आओगे ट्राई करना, वानप्रस्थ आश्रम में रुको, यहाँ की वाइब्स भी कुछ अलग हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वानप्रस्थ का अपना टूर। तो ये देखिए, जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं वानप्रस्थ के, तो सबसे पहले आपको राम मंदिर दिखता है। इस वानप्रस्थ आश्रम के अपने खुद के 2 मंदिर हैं, एक राम मंदिर जो आप सामने देख पा रहे हैं और एक और ब्लॉक है जिसमें मैं आपको लेके चलूँगा, उसमें शिव मंदिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गंगा अवतरण, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा रुद्रप्रयाग संगम। तो ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे 5-6 अलग अलग गार्डन इनके वानप्रस्थ आश्रम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रीनरी की, पेड़ पौधों की, फ्रेश एयर की कोई कमी नहीं है इस आश्रम में। आश्रम के बगीचों में फूल तोड़ना सख्त मना है, फूल तोड़ने पर 100 रुपये आर्थिक दंड लगेगा। तो अगर फूल तोड़ने का विचार आपके दिमाग में आए तो 100 रुपये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा पहले अपनी जेब में। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ फूल मत तोड़िए। कर्णप्रयाग संगम, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, भजवासा गोमुख मार्ग, और
रही है गंगोत्री। तो जी पुष्प वाटिका है इस आश्रम की अपनी, ये देखिए। तो इस आश्रम में आपको 400 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक का रूम मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं आपको अभी रिसेप्शन पे जाके प्रोसेस भी समझा दूंगा कैसे आप यहाँ बुक कर सकते हैं। गंगा तट कोलकाता। और ये उत्तरकाशी। तो रूम्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको डिलक्स, सेमी डिलक्स, एसी रूम, नॉन एसी रूम, कोठी, इस तरह के आपको रूम मिल सकते हैं। आपको कैलकटा ऑफिस एक्चुअली इनका है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप खुद हैं तो यहाँ रिसेप्शन पे आके आप इनसे बात कर सकते हैं रूम बुक करने के लिए। ये सामने राम मंदिर, सुबह सुबह पूजा होती हुई, ये देखिए। सिंगल रूम फ्लैट, इस तरफ भी फ्लैट्स हैं, बीच में मंदिर है, दो तरफ झूले हैं, उस तरफ भी पूरे फ्लैट्स हैं इनके। यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो कि गंगा फेसिंग इनके अपार्टमेंट्स हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे गार्डन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये फाउंटेन्स हैं जो कि रात को चलते हैं, इनमें लाइटिंग भी होती है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये रात के वक्त। राम मंदिर में हम थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इनके रिसेप्शन एरिया पे और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा क्या प्रोसेस है अगर आप रूम यहाँ पर बुक करना चाहते हैं। तो ये देखिए बाबा काली कमली वानप्रस्थ आश्रम, इनके चेक इन टाइमिंग्स देख लीजिए। और कुछ ज़रूरी चीज़ें, मास्क इज मैंडेटरी, प्याज लहसुन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित, पाए जाने पर बुकिंग निरस्त की जा सकती है। और ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, आधार कार्ड की छाया प्रति, मतलब एक फोटोकॉपी आप प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिए। और कोविड वैक्सीनेशन की अगर आपको दोनों डोज लग गई हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी कैरी कीजिए। मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है इनके नंबर्स की, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं वानप्रस्थ आश्रम की तो कैलकटा से, या फिर यहाँ पे जो सबसे टॉप राइट में आप नंबर देख रहे हैं, लोकल ऋषिकेश वानप्रस्थ आश्रम का ही नंबर है, आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, आप कैलकटा ऑफिस से बुकिंग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, यहाँ पर फैमिलीज़ ही अलाउड हैं ओनली, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स अलाउड के साथ आ रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो दे कैन आस्क यू फॉर द प्रूफ, अदरवाइज़ वो आपकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं जो मुझे यहाँ पता चला है। और फैमिलीज़ के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर आके आप स्टे कीजिए, बहुत अच्छी जगह है ये।
यहाँ पर इनका अपना एक सत्संग भवन है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, कोई प्रोग्राम है आपका कोई बड़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक कोई बॉम्बे से शाह फैमिली आई हैं, गुजराती फैमिली हैं, उनका श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये इनका सत्संग भवन भी आप देख लीजिए। आपके साथ आपकी फैमिली में आपके दादा दादी, नाना नानी या ऐसे लोग जो थोड़े से ओल्ड एज में हैं अभी, तो देखिए उनके लिए एक गोल्फ कार्ट रखी गई है पूरे आश्रम में। उनको आश्रम में एक्चुअली दो ब्लॉक हैं और काफ़ी बड़ा है। कोई फंक्शन में आप आए या कहीं भी किसी भी तरह से उनको इस गोल्फ कार्ट का उपयोग करना है तो टोटली फ्री है। ये देखिए, बंदरों का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। दूसरा ब्लॉक भी पास ही पास है दोनों, एक सिर्फ एक गली है और दोनों पास में ही हैं। तो चलिए दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। तो इस गेट से क्रॉस करके हम दूसरे ब्लॉक में, देखिए सामने ही दूसरा ब्लॉक दिख रहा है, तो दूसरे ब्लॉक में एंट्री मार सकते हैं। यहाँ से साधु संन्यासी सुबह सुबह यहाँ आपको बस साधु सन्यासी देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सो ये हम दूसरे ब्लॉक में आ गए। यहाँ पे देखिए सामने आपको एसी रूम्स दिख जाएंगे, एसी रूम्स। और यहाँ पे इनका तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है यहाँ पे इनका आहार स्थल, कैंटीन। तो ये देखिए, का भोजनालय। मैं आपको एक बार यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको मिल सकता है ताज़ा पीने का पानी। ये देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ का शिव मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो ये कुछ एसी ब्लॉक्स हैं इस तरफ, और ये कुछ कॉटेजेस हैं इस तरफ भी एसी ब्लॉक्स हैं। हमारा रूम है, तो चलिए ये हैं इनके एसी कॉटेज 324। तो ये देखिए एसी कॉटेजेस कुछ इस तरह के दिखते हैं। सामने इनका शिव मंदिर, और वहाँ सामने ऊपर आप देख सकते हैं भूतनाथ टेंपल। ये देखिए टूटी फूटी पुरानी टाइलों से कलाकृति, कितनी सुंदर लग रही है ये। ये इनका एक और गार्डन, रॉक गार्डन टाइप, जो चंडीगढ़ में वैसी आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी। ये देखिए एक पेड़ पे बाघ दिखाया हुआ है बैठा हुआ, लंगूर बैठे हैं, बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। ये
देखिए ये वानप्रस्थ आश्रम में खुद ही श्री राम मंदिर जो हमने आपको दिखाया उसका एक मॉडल यहाँ पे, और उसी के पीछे शिव मंदिर। और ये देखिए चार धाम दिखाए हुए हैं यहाँ पे, राम मंदिर देवप्रयाग, वो उधर रुद्रप्रयाग। देखिए जितने भी धाम हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, जितने चारों धाम हैं सबको यहाँ पे कलाकृति के रूप में दिखाया गया, उनके मॉडल्स बनाए गए हैं। ये है शिव मंदिर, और यहाँ पे साथ में इन्होंने गार्डन बनाया है, देखिए एक कितना प्यारा लग रहा है। शिव मंदिर के साथ में आप देख सकते हैं ये डिलक्स कोठी है इनकी, फ्लैट से थोड़ा अलग होंगी, थोड़ा उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। यहाँ पे भी एक गार्डन है प्यारा सा, तो चलिए शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करते हैं। नमस्ते पंडित जी। ये है जी एसी डिलक्स फ्लैट, सबके प्राइसेस अलग अलग हैं जो कि रिसेप्शन पे आपको पता चल जाएगा, या वो जो विजिटिंग कार्ड आपने देखा उसमें अगर आप कैलकटा ऑफिस फ़ोन करेंगे तो आपको सारे प्राइस बता दिए जाएंगे। ये एक रूम है, देखिए जो ग्लासेस पड़े हैं यहाँ पे, ये मैं कोशिश करूँगा इनसे बात हो पाए, बट ये आपको हर समय यहाँ पर छाछ लस्सी और एक सौंफ का एक पानी या काढ़ा मिलता है, वो आप फ्री उसका लाभ उठा सकते हैं जितना मर्जी, पूरे दिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलता है। अभी है नहीं, कोशिश करेंगे दोपहर में इनसे मिला जाए, मुलाकात की जाए। चलिए आगे चलते हैं, ये एक और गार्डन इस तरफ। आश्रम के नियमों का पालन करने में हमारा सहयोग दें। तो देखिए जी, पान गुटखा खैनी तंबाकू खाकर थूकने पर आर्थिक दंड लगेगा ₹1,000 का। तो देखिए आपने गुटके की ऐड भी देखी होगी, शौक बड़ी चीज़ है, तो वो शायद इसीलिए बोला जा रहा होगा अगर आप गुटखा खा के थूकेंगे तो ₹1,000 देना पड़ेगा, तो शौक बड़ी चीज़ है, तो उस शौक को साइड रखिए अगर आप इस आश्रम में हैं, सात्विक जीवन का आनंद लीजिए।
फ्रेश एयर लीजिए, योगा कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो ये है जी वानप्रस्थ आश्रम का पूरा कंपाउंड। मैंने आपको जितना हो सके पूरा कोशिश की है पूरा वानप्रस्थ आश्रम आपको दिखा सकूं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अगर मैं उनका आंसर दे सकता हूँगा तो ज़रूर आपके उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी तरफ से आश्रम फुली रिकमेंडेड है। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं, अगर आप लग्जरी होटल्स सोच रहे हैं तो लग्जरी होटल्स नहीं, आपको आपके घर जैसा एहसास मिलेगा इनके फ्लैट्स में। मेरे पास जो AC फ्लैट है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने किसी घर में रह रहे हैं, कोई फ्लैट में हमने शिफ्ट कर लिया है, वैसी फीलिंग है। जो बेड की चादरें होती हैं हर 3 दिन में एक बार इनकी तरफ से चेंज की जाती है, और जो सफाई करवानी है रूम की इनकी तरफ से आपको कोई भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, आप उनको एक्स्ट्रा पैसे देके जो भी आप उनको देना चाहें आप उनसे अपनी सफाई करवा सकते हैं। किचन यहाँ पे आपको अगर लेनी है तो किचन आपको 50 रुपये देके पर डे का आपको रेंट देना पड़ेगा, उसमें आपको गैस बर्तन सब कुछ मिल जाएगा, तो आप अपनी कुकिंग खुद कर सकते हैं। और जैसे मेरे फ्लैट में किचन अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला 1000 रुपीज़ आप हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट दीजिए, उसके बाद 50 रुपये रोज का आपका रेंट लगेगा। तो वो आप अपनी गाड़ी अगर आपके पास है तो इनके स्टोर तक जाके बर्तन आपको खुद लाने पड़ेंगे, या आप पहले ही बात कर लीजिए कि आपको किचन वाला रूम चाहिए अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं। जैसे मैं 10 दिन के लिए यहाँ पर आया था बट मुझे किचन की उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, बिकॉज़ यहाँ की अपनी कैंटीन है और बाहर बहुत कुछ खाने को मिलता है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन टाइम लैप्स का। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।